हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू मास के रिएक्शंस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग वेरी गुड। और जैसे कि इंडिया जीत चुका है पाकिस्तान से ये वाला वुमेन मैच भी, सो इस पर जो लिखा हुआ है कि जो पाकिस्तानी लोगों का और मीडिया का जो रिएक्शन था, सो उसको मैं देखती हूँ कि कैसे रिएक्शन था सबका। वो तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं होने वाला था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं लोगों का क्या कहना है इस बारे में। वीडियो का लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, और देखते हैं कि क्या है, कैसा रिएक्शन है, बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन है या बस ऐसे ही है कि वुमेन क्रिकेट टीम थी। क्योंकि वुमेन क्रिकेट टीम को मैंने कभी इतना सीरियस लेते हुए देखा नहीं, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि अब मेन के साथ वुमेन क्रिकेट टीम को भी बहुत लोग सीरियस ही लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट तो फिर क्रिकेट है, चाहे कोई भी खेल रहा है। सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जल्दी से इस वीडियो को प्ले करते हैं। और जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, तो फिर चाहे वुमेन हो, चाहे अंडर 19 हो, चाहे अंडर 16 हो, चाहे लेजेंड्स का मैच हो, चाहे नॉर्मल क्रिकेट टीम का मैच हो, वो तो सभी देखते हैं। सो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। एक बार फिर से दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। एशिया कप में इंडियन वुमेन टीम ने पाकिस्तानी वुमेन टीम को पिछाड़ के रख दिया। हमें ये उम्मीद अवस्था थी कि जो काम हमारे मर्द हजरात नहीं कर सके, वो खवातीन कर दिखाएंगी। मुझे तो ये आज नहीं इंडिया उम्मीद को हरा थी, कर टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान आई की वाज नॉट खवातीन, एक्सपेक्टिंग पाकिस्तान दिस। का जो सर है वो फख्र से बुलंद कर देंगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। क्या कहेंगे आज आप, 108 पे पाकिस्तान की ऑल टीम को जो है इंडियन वुमेन टीम ने बुक कर दिया। यार देखें, पाकिस्तान की जो वुमेन टीम है ना, मुझे लग रहा है इनको क्रिकेट छुड़वा के ना घर के काम काज पे लगाओ, इनको जाके बच्चे पैदा करें, इनको कोई जाके खाने वगैरह बनाए, हांडी वगैरह। यार ये तो बहुत मीन कमेंट हो गया। और यार तुम लोग पाकिस्तान के साथ खेल देंगे, ये पाकिस्तान की शर्ट पहनी हुई है। पाकिस्तान इंडिया के ऑलमोस्ट 11 मैचेस हुए हैं, 2 सिर्फ पाकिस्तान जीता है उमर भाई, और 9 इंडिया जीता हुआ है। इससे बड़ी शर्म वाली क्या बात होती है यार। डिप्टी शर्मा ने कैसे आपकी विकेटें उड़ाई आपको नजर आई हैं? शिफाली वर्मा ने जो स्टार्ट में आके रोहित शर्मा बनी थी, और स्मृति मंधाना जिनकी शर्ट का नंबर भी 18 है, और वो विराट कोहली की तरह खेल रही थी यार, इतनी शर्मनाक। लाइक मैं तो कहता हूँ, मैं पूरी इंडियन वुमेन को सलूट करता हूँ जो जो आके उनको सपोर्ट कर रही थी, जो जो पिच पे खेल रही थी। फील्डिंग देखी है आपने उनकी? फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, उनका एग्रेशन। मैं कहता हूँ यार, एशिया कप में अगर सबसे स्ट्रॉन्ग टीम जो नजर आ रही है ना, इवन इसके अंदर कोई हमें दोनों टीमें नजर नहीं आ रही है। हाँ। चुप करके ये ट्रॉफी आपने इंडियन वुमेन्स को दे दो भाई। इंडिया T20 वर्ल्ड कप भी जीत के गया, ODI वर्ल्ड कप भी ऑलमोस्ट जीता हुआ ये साल इंडिया का है यार, ये तो अब मानना पड़ेगा। वो ले जाएंगी, हमारे पास क्या आएगा? हमारी वुमेन क्या करने गई है यार? हमारी वुमेन को आपने देखा है सारे सोशल मीडिया पे, हमारी वुमेन क्या कर रही है? सेल्फियां ले रही है, टिकटॉक बना रही है, डांस कर रही है, और इंडिया की एक भी औरत आपको नजर नहीं आएगी। एक भी उनकी जो खिलाड़ी थी आपको किसी भी फील्ड से बाहर नजर आएगी? वो प्रैक्टिस करते हैं यार, इंडिया पैसे दे के अपने, जैसे इंडिया ने जैसे अपने मेंस को पैसा दे दे के मूंछ बंद करवाया ना, वैसे ही हमारे वुमेन का भी करवा दिया उन्होंने। कहा यार ठीक है, ये आपके पास पैसे आ गए, आप क्रिकेट खेलो यार, इतनी अमेजिंग क्रिकेट। ये तो मैं कहता हूं, ये चीज हमें इंडियन वुमेन में नजर नहीं आई, बल्कि इंडियन मेंस में भी हमने देखा। अभी आप ये टूर्नामेंट देख ले, इंडियन जो वुमेन्स आई थी ना, वो वुमेन्स नहीं थी, वो मेन नजर आ रहे थे। आपने देखा होगा आज उनकी बॉलिंग साइड देख ले, बैटिंग साइड देख ले यार, 5 ओवर में 50 स्कोर कर गए हैं, ठीक है। उनका स्ट्राइक रेट देखें, 5 ओवर 50 स्कोर किए, आउट क्लास है थी, वो लाजवाब है थी। मैं परेशान हो गया हूं कि यार हमें लगा था कि हम लोग एशिया कप से बाहर हो गए, ठीक है, ODI वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, उसके बाद लेजेंड लीग्स में हमारे जो उनसे सीनियर्स हैं वो चोक कर गए। आज हमें थोड़ी सी उम्मीद थी इंडिया की यार, टीम के अंदर हमें ना रोहित शर्मा, विराट कोहली की ओपनिंग के अंदर दोनों ओपनिंग पे आई है यार, क्या मारा है। मैं कहता हूँ पाकिस्तानी वुमेन तो शायद दौड़ने का रास्ता ढूंढ रही थी, और भाई दौड़ो ना, लड़ो, मार खाओ, लड़के तो आओ, लड़ना कहाँ है। 108 पे ऑल टीम को बुक करके रख दिया, कोशिश तो की होगी, और तो हम कर रहे हैं कि हमें अब बाकी ने इंडिया से सीखने की जरूरत है, इंडिया से क्रिकेट सीखने की जरूरत है कि क्रिकेट खेली किस तरह जाती है। अभी जो वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, हमारे जो आदमी है, हमारे जो मेन्स, उन्होंने क्या परफॉर्म किया? उन्होंने भी अमेरिका जाके वही किया जो एशिया कप में हमारी वुमेन्स कर रही हैं, वहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सैर सपाटे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। और हमने इंडियंस को देखा, वो मैन हो या वुमेन, वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, वो हमें मैदान में खेलते हुए नजर आए, लेकिन हमारे लोग जो है वो बाहर चले गए, मैंने गार्डन में कोई नहीं घूमेगा। कहते हैं ना बड़ी देर बाद गरीबों को कि बाहर का रास्ता मिले ना, तो घूमने फिरने लग जाते। हमारी वुमेन ने भी वही सीन किया, हमारे मैन ने भी वही किया है। रोहित शर्मा ने, याद है रोहित शर्मा की बड़ी ऑडियो लीक हुई थी, उन्होंने बोला था कि भाई मैं डैश डैश कर दूंगा जो कोई भी गार्डन में गया तो। exactly. भाई इंडिया ने पाकिस्तान की क्रिकेट को दफन करके रख दिया। कहाँ गई हमारी वुमेन की क्रिकेट? कहाँ गई हमारी मैन की क्रिकेट? कहाँ गए हमारे अंडर 19 प्लेयर? मजाक चल रहा है यार पाकिस्तानी क्रिकेट का, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लाइक देखे, हमारी वुमेन के ऊपर हमने कितना बजट लगाया, हम यहाँ पे खाने पीने के रो रहे हैं यार, इतने इतने बिल आ रहे हैं, हम वुमेन के ऊपर पैसे लगा के भेज रहे हैं जाके इंडिया को हरा के आओ, इतनी जलालत। अभी हम चैंपियन ट्रॉफी का वेट कर रहे हैं, इंडिया टीम पाकिस्तान के अंदर घुस के जाके हमें हरा के जाएगी ना,
तब पता लगेगा क्रिकेट किस होगी। खैर वो आने को तैयार ही नहीं है, वो आएंगे डेफिनेटली। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म कर दें, ना वुमेन अच्छा खेलती है, ना मैन अच्छा खेलते हैं, ना बच्चे खेलते हैं। इंडिया के बच्चे जाके न्यूजीलैंड को हरा रहे हैं। क्रिकेट टीम का हाल ना हमारी हॉकी से भी बदतर हो चुका हुआ है। हमें लगता था हमारी जो नेशनल गेम है ना हॉकी, वो इतनी लाजवाब है ना, हमारी नेशनल गेम है, हम दूसरी कंट्रीज में जाकर दूसरी कंट्रीज को बीट कर पाएंगे। लेकिन ना हमारी हॉकी रही, ना हमारे पास फुटबॉल है, और क्रिकेट है थी, ठीक है, वो क्रिकेट का फ्यूचर भी बर्बाद हो गया। हम लोग बाहर के मुल्क जाते हैं ना तो अपनी फैमिली साथ ले जाते हैं। यार खुदा का खौफ करो, जब आप अपने मुल्क का परचम पहन कर जा रहे हो, आपकी जर्सी में मुल्क का परचम लगा हुआ है, आप अपने परचम के लिए, आप अपने मुल्क के लिए कुछ तो परफॉर्मेंस दिखाओ। इतना बुरा एक्सपोज कौन करता है? इंडिया ने पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट को इतना बुरा एक्सपोज करके रख दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट तो लाइक मैं कहता हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जनाजा निकल गया, पाकिस्तानी क्रिकेट का जनाजा निकल गया। हमारी वुमेन का निकला ही निकला, सात मर्दों का भी निकल गया। चैंपियन ट्रॉफी का हम वेट कर रहे हैं, और भाई वो वक्त से डरो, जब पाकिस्तान के अवाम क्रिकेट से इतना बज़न हो गई है, वो कहते हैं ये फारिक गेम है। लेकिन देश में मैं तो इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैन हो एशिया कप हो, हम तो अगे हैं भाई, जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। बाढ़ में गई पाकिस्तानी क्रिकेट, बाढ़ में गई पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट, बाढ़ में गई पाकिस्तान के बच्चे प्लेयर, कोई क्रिकेट नहीं है, कोई यहाँ पे स्कोप नहीं है। हम अपने टैक्स से पैसे दे दे थक गए हैं, जो अच्छा खेलेगा उसे टैक्स लेना, हजार दफा टैक्स ले लो। अगर अच्छा नहीं खेलना क्रिकेट छोड़ के चले जाओ, हम भाई थक गए, हमारे पास हिम्मत नहीं है सपोर्ट करने की। अब तो ऐसा हो गया कि लोग इंडिया को ही सपोर्ट करना शुरू हो गए, किसी टीम के अगेंस्ट इंडिया का होता है, क्योंकि इंडिया अच्छा खेलता है तो क्यों सपोर्ट करें। अब आपको पता है कि एशिया कप चल रहा है और इंडियन वुमेन टीम ने आज पाकिस्तानी वुमेन टीम को हरा दिया है 108 पे। हमारी तमाम टीम जो है उन्होंने बुक कर दी थी। क्या कहना चाहेंगे, ना हमारे मर्द और ना ही हमारी औरतें इंडिया से जीत पा रहे हैं। इंडियन क्रिकेट टीम का इतना हमारी मर्द क्रिकेट टीम जो है वो टिक पाती है, ना वुमेन क्रिकेट टीम टिक पाती है। हमारा हमारी कौन सी चीज इस टाइम टिक पाती है इंडिया के खिलाफ? क्रिकेट तो दूर की बात है, हम तो किसी भी शोबे में अब टिक नहीं पाते। और शुक्र खुदा का अदा करे पाकिस्तानी कौम वैसे ही मर्दों की पाकिस्तान में कोई इज्जत नहीं औरतें करती। अगर ये जीत जाते आज औरतें जंगे औरतें वहाँ कुड़िया वहाँ, तो हमें उनसे शर्मिंदा होना पड़ता, हमारे प्लेयरों को भी जो लेजेंड हैं उनको भी सुननी पड़ती औरतों की बीवियों की। पहले भी बेचारे बहुत सुनते हैं, फिर और भी वो पावर में आती है। अच्छा हुआ है कि औरतें हार गई हैं भाई, जब इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट हार जाते हैं तो लड़कियां हार गई हैं तो क्या हो गया, कोई कबात नहीं है, कोई मसला नहीं है, हार गई हैं तो कोई मसला नहीं है। ये तो एक अदारा पैसे बनाने के लिए बनाया हुआ है। कौन सी इनकी सही कोचिंग होती है हमारी लड़कियों की बताएं, कौन सी इनकी इनको कोई सिखाया जाता है? क्रिकेट पे वाकई सिर्फ एक खाना पूरी करने के लिए जाते हैं। और देखें हमारी कोई कोचिंग नहीं होती, कोई आपको कभी किसी ने कहा है कि क्रिकेट में अपने बच्चे को लाएं, आप अपनी बेटी को लाएं या किसी प्लेयर को लाएं? कोई है ही नहीं, कोई निज़ाम ही नहीं है। तो ये तो अब जो आ रहा है ये तो एक पैसे खाने का इदारा बनाया हुआ है। वुमेन्स टीम जब कभी परफॉर्मेंस किया ही नहीं आज तक, तो किस लिए उस पर इतना पैसा खर्च कर? 11 मैचेस हुए हैं अब तक इंडिया और पाकिस्तान के वुमेन्स के दरमियान, जिनमें से 9 इंडिया जीता है और 3 पाकिस्तान। वो तो क्रिकेट को ख़त्म कर देना चाहिए, इनको लड़ाई खाने पकाने के इनके कोई मुकाबले कराने चाहिए पाकिस्तानी लड़कियों के, इंडिया की लड़कियों के। क्रिकेट ख़त्म करनी चाहिए, ये एक मजाक हो रहा है। कौन सा टाइम ज़ाया हो रहा है? पहले हमारे बड़े क्रिकेटरों ने हमारा टाइम ज़ाया किया है, फिर लेजेंड ने पे उम्मीदें थी कि शायद ये कुछ हमें कोई खुशियाँ दे देंगे, उन्होंने भी फाइनल में हमें रुसवा किया है। अब ये लड़कियाँ बची हैं, लड़कियों पर तो इंसान इतना इंसार कर भी नहीं सकता। हाँ अगर कर जाती तो हमने फिर फूले नहीं समाना था लोग जी हम साड़ी कुड़ियाँ थी इसने। बस अब मेरा तो ये मशवरा है कि अब शी मेल तीसरी दुनिया की पाकिस्तान टीम बना दे, ओह माय गॉड, तो इंशाल्लाह मर्दों से भी वो जीतेंगे और लड़कियों से भी वो जीतेंगे हर मैदान में। जब वो इदारों को ठीक कर सकते हैं, जब वो इतने रोले डाल सकते हैं, तो मेरा हाल है क्रिकेट भी वो चला सकते हैं। अगर हम बात करें इंडियन टीम की, वो चाहे मैन हो या वुमेन हो, हमने देखा है कि वो एक पैशन के साथ ग्राउंड में उतरते हैं, वो जीतने की भूख के साथ ग्राउंड में उतरते हैं, और उनका ये एक मतलब होता है, मोटिव होता है कि हमने ये मैच जीत कर वापस जाना है। अब अगर हम इस एशिया कप की बात करें तो जितनी स्ट्रॉन्ग इंडियन वुमेन टीम है इस टूर्नामेंट में, और कोई टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही। देखिए आप अभी माइक लेके आए, ये घर से निकली है ना अपने प्रोफेशन के लिए, तो आपने सोच के आई है कि मैंने कुछ करके जाना है, ठीक है? जब आप सोचेंगी मेरी रोजी रोटी यही है, मैंने यही कुछ करना है, तो आप करेंगी। जब आपको पता है कि आपने आना है माइक पकड़ने, आपके व्यूज चले हुए हैं, आपको पैसे मिल जाएंगे। बात यह है कि ट्राई तो सब हर कोई करता है, ठीक है? अब उनकी इस चीज पे तो शक नहीं किया जा सकता कि वो जानबूझ के करते हैं।
हर कोई कोशिश करता है कि हम जीतें, हम आए खेलने तो हम जीत के जाएं, लेकिन फिर एक उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, ऊपर से किस्मत इतनी ख़राब चल रही है। और ये साल तो इंडिया का है, हर तरह की ट्रॉफी करवा लो, ये इंडिया ही जीतने वाला है, चाहे लड़कियों की कराओ, लड़कों की कराओ, जिसकी मर्ज़ी करवाओ क्रिकेट से, क्रिकेट में। और मतलब ठीक है, जब मेन परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो वुमेन से इतना क्या उम्मीद मतलब लगाई जा सकती है, जिनको प्रॉपर कोचिंग भी नहीं मिल रही, प्रॉपर उनको कुछ वो फैसिलिटीज़ भी। आई थिंक मेन क्रिकेट को पाकिस्तान में थोड़ा ज़्यादा प्रेफर किया, मतलब क्या कह सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ऊपर रखा जाता है, ज़्यादा उन पर ध्यान दिया जाता है, तवज्जो दी जाती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन क्रिकेट, ऐसा लगता है मुझे। लेकिन इंडिया में इक्वल है, ये मैंने देखा है, मैंने सुना भी है, इंडिया में इक्वली दोनों जेंडर्स के क्रिकेटर्स को ट्रीट किया जाता है, और इसीलिए उनकी वुमेन में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो आती हैं और वो आके मेन वो क्रिकेट जैसा ही जो है वो स्टार्ट करती हैं, एंड करती हैं, बीच में खेलती हैं, छक्के चौके ओपनिंग हर चीज़ उनकी परफेक्ट होती है। सो ये एक आई थिंक कमी है, तो देखते हैं जब मेन की ये कमी दूर नहीं हो पा रही तो वुमेन की क्या ही दूर हो पा रही है, मेन भी तो परफॉर्म नहीं कर रहे, सो पता नहीं इसका क्या सलूशन है। अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी आनी है, देखते हैं उसमें इंडिया आता, पाकिस्तान ये नहीं आता, आएगा भी तो ये भी खतरनाक ही बात है। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।